इंडिया की जो आवाम है उनका बेसिकली एक्साइटमेंट लेवल तो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर बहुत हाई है। पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो किसी भी दिन कुछ भी करने की अहलियत रखती है। यू नो पाकिस्तान टीम आपको हमेशा सरप्राइज देती है। ऑन पेपर भारतीय टीम बड़ी मजबूत है। गेम का रीडर बहुत बड़ा है महेंद्र सिंह, गेम को बहुत जल्दी रीड करता है। एक प्लान नहीं होता, ए बी सी तीन प्लान होते हैं उनके पास। तो राहुल द्रविड की मौजूदगी भी पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्री है। हसन अली बड़ा, वो देखो इंडियन लड़की से शादी की, उसकी बड़ा किस्मत चमक गई है, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भी देखने वालों को हाफिज मोहम्मद इमरान खुश आमदेद कहता है। और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक बड़ा मैच, एक लंबे अरसे के बाद जो दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो बहुत जोश और खरोश पाया जाता है दुनिया भर में क्रिकेट खेलने, देखने, क्रिकेट पर लिखने, क्रिकेट पर बात करने वालों को, और इस पर बड़ी ज्यादा बातचीत भी की जाती है। आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेले जाने वाले इस मैच के हवाले से। हमारे साथ लाहौर पाकिस्तान से मौजूद होंगे मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर, कॉमेंटेटर भी हैं क्रिकेट के, और इंडिया से हमें रविश बिश ज्वाइन कर रहे हैं। अपनी अपनी टीमों के हवाले से आज ये गुफ्तगू करेंगे। रविश बिश साहब और बेग साहब, आपको वेलकम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। बेग साहब आपसे आगाज है, बड़ा मैच है, किस तरह से देख रहे हैं? बहुत जोशो खरोश भी पाया जाता है दोनों जगहों से, मौका मौका के जो टीजर हैं, वीडियोस हैं, वो भी रिलीज हो रही हैं, तो क्यों मौका मिल रहा है पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान टीम मौके से फायदा उठा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, और मेरी तरफ से भी नमस्ते रवीश बिश्त को, क्योंकि रवीश बिश्त हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, न्यूज नेशन टीवी से वाबस्ता है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ वाबस्ता रह चुके हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। अब आप बात करें इमरान अगर इस मैच की, कि जो मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रहा है, तो आप देखेंगे आज तक T20 वर्ल्ड कप हुआ या 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तानी टीम अब तक उस जिंक्स को तोड़ने में नाकाम रही है कि हमेशा ही 7 50 ओवर के मैचेस और 5 आप देख लें T20 मैचेस, इनमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। लेकिन T20 क्रिकेट है, इस क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने खुद देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम हारी ओमान से, तो वो जो एक मैच था उसमें, तो आप इसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि ऑन पेपर भारतीय टीम बड़ी मजबूत है, इंडिया की टीम जो थी इंग्लैंड के टूर पर थी, फिर उसके बाद उनके बेशतर क्रिकेटर जो थे वो IPL में हिस्सा लेते रहे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ, तो एडवांटेज तो भारत को होगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम एक ऐसी टीम है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो किसी भी दिन कुछ भी करने की अहलियत रखती है। अब देखना यह कि प्रेशर है और इस प्रेशर में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है रवीश, आप किस तरह से देख रहे हैं? जब भी पाकिस्तान इंडिया का ICC इवेंट्स में मैच होता है, मुकाबला होता है, आमने सामने आते हैं, तो मौका एक नया, एक ऐसा एक चीज का इजाफा हुआ है कि उसके वीडियोज रिलीज होते हैं, इंडिया की तरफ से भी रिलीज हुआ है, जवाब भी दिया जाता है, तो ये बड़ी लोगों की दिलचस्पी और लगाव है पाकिस्तान इंडिया के मैच में। आप इस जो एक अवाम की राय है या जो अवाम का जोशो खरोश है, इसको किस तरह से देख रहे हैं और इंडिया में क्या इस हवाले से बातचीत है? देखिए काफी एक्साइटमेंट है और इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, क्योंकि काफी टाइम के बाद हो रहा है। इनफैक्ट 2 साल अगर हम देखें तो कोविड की वजह से तो मैचेस ही नहीं हो पा रहे थे, बट 2019 में मैच हुआ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इकबाल साहब भी वहां पे थे, मैं भी था वहां पे, हम दोनों ने मैच देखा था। इनफैक्ट हम लॉर्ड्स में भी थे जब फाइनल साथ खेला गया, तो हमारी जो दोस्ती है ना ये बड़ी पुरानी है, कई सालों से चली आ रही है, चैनल्स बदल गए लेकिन हमारी जो दोस्ती है ना डिवाइडेड बाय नेशंस एंड यूनाइटेड बाय क्रिकेट, तो वो है। तो 2019 का जो मैच था बड़ा अच्छा मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया उस मैच को जीता और ICC टूर्नामेंट्स में जो हमारा रिकॉर्ड है वो बरकरार रहा। अब इंडिया की जो आवाम है एक्सपेक्टेशंस वही है उनकी कि हम भैया पहला ही मैच जो है हमारा वो पाकिस्तान के साथ है 24 अक्टूबर को, और सारी आवाम यही सोच रही है कि हम एक बार फिर से ICC का टूर्नामेंट है उसमें हम पाकिस्तान को हराएंगे और आगे जाएंगे। इंडिया की जो आवाम है उनका बेसिकली एक्साइटमेंट लेवल तो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर बहुत हाई है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हो रहा है मैच और हमेशा से एक यूफोरिया होता है इस मैच को लेकर, एम्बियंस ज्यादा हो जाता है, तो वो तो है ही। लेकिन हम अपने ग्रुप में न्यूजीलैंड को लेकर भी बड़े कंसर्न है यहाँ के लोग, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी T20 फॉर्मेट जो है उसमें बड़ा हराता है, तो और उनके साथ अभी हमने WTC भी हम हारे उनके साथ, तो इंडिया की जो आवाम है वो ये भी सोच रही है कि पाकिस्तान का मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है, एक्साइटेड है, लेकिन वो कंसर्न न्यूजीलैंड के मैच के लिए भी है काफी। ठीक है बेग साहब, हमारी टीम में कुछ तब्दीलियां हुई, पहले टीम का ऐलान हुआ, फिर तब्दीलियां हुई, फिर शुएब मकसूद की शक्ल में एक और तब्दीली हुई जब वो नहीं जा पाए, शुएब मलिक उनकी जगह पर आए, मिडल ऑर्डर बड़ा पाकिस्तान का मुश्किल सूरत हाल से दो चार रहा। आप समझते हैं कि यहाँ पर जब पाकिस्तान की टीम इंडिया के मद्देमुकाबले आएगी
तो जो एक हमने जो प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं उसको देखते हुए कुछ अच्छा बैटिंग कॉम्बिनेशन या अच्छा प्लेइंग 11 पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सकता है? देखिए इमरान, जब 6 सितंबर को जो लैपटॉप रखने वाले चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने टीम का ऐलान किया था, तो उस वक्त तो टीम जो थी वो ऐसी ही लग रही थी। लेकिन ये जो 4 चेंजेस हुए, खासतौर पर शुएब मलिक एट द 11th आवर टीम में आए शुएब मकसूद की जगह, और उनसे पहले फखर जमान को इन्होंने शामिल किया, उसके अलावा सरफराज अहमद को इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, तो और टीम बहुत पाकिस्तान की मजबूत और मुतवाजन नजर आती है मेरी नज़र में। बॉलिंग में हमें थोड़ा सा कंसर्न है, लेकिन अगर बैटिंग देखें, आप जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे थे, अब मिडिल ऑर्डर बैटिंग में पाकिस्तान की टीम खासी बेहतर नजर आती है। खुशदिल शाह को इन्होंने अब ट्रैवलिंग रिजर्व में रख दिया है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बैटिंग में तो चांस है, लेकिन बहुत ज्यादा हम रिलाई कर रहे हैं रिजवान पर और उसके अलावा बाबर आजम पर। आपने देखा होगा मौका मौका का जो इश्तिहार बना है उसमें भी इन दोनों को दिखाया जा रहा है, वो मोबाइल पे दिखा रहा है सरदार जी को, तो इससे लगता यही है कि इन दोनों पर भारत की भी नजरें, और भारत को देखें एडवांटेज है। एक तो रवि शास्त्री वहां मौजूद है हेड कोच, वो चले जाएंगे, उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी एज अ मेंटोर वहां मौजूद है, और रवीश इस बात को भी कंफर्म करेंगे कि राहुल द्रविड़ जो नेक्स्ट कोच बनने वाले हैं वो भी वहां मौजूद है। तो भारत के ये तीनों सुपरस्टार रहे अपने जमाने के, रवि शास्त्री तो कमेंट्री में भी, तो मेरे ख्याल में भारत के लिए एक वो स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। हमारी टीम जो है उसके लिए स्ट्रेटजी प्लान करने वाला एक ही है, सकलैन मुश्ताक, जो इंग्लैंड के साथ भी वाबस्ता रह चुका है एज अ स्पिन बॉलिंग कोच, वेस्ट इंडीज के साथ भी वाबस्ता रह चुका है, और हमने जो दो कोचेज रखे हैं वर्दन फ्लैंडर और मैथ्यू हेडन, तो फ्लैंडर तो आज तक T20 क्रिकेट ही नहीं खेले, साउथ अफ्रीका की जानिब से टेस्ट के बड़े अच्छे बॉलर थे। अब देखते हैं क्या स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, और मैथ्यू हेडन को भी कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े जारहाना मिजाज एग्रेसिव बैट्समैन थे, तो अगर इन मैथ्यू हेडन को देखें और फिर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखें, जो पाकिस्तान पहला प्रैक्टिस मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला उसमें नंबर 6 पर आसिफ अली को लाए, हैदर अली भी अब टीम में आ गए, हैदर अली पहले नहीं थे टीम में, तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली को ही खिलाएंगे ये मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि भारत के खिलाफ तजुर्बा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है बेग सर, मैं आपके पास दोबारा एक सवाल लेकर आता हूँ, ये जो आपने मैथ्यू हेडन की बात की है, रविश के पास चलते हैं। रविश, ये जो 3 लोग, राहुल द्रविड़ का भी नाम लिया है बेग साहब ने, आप समझते हैं, आप ये भी कंफर्म करें जैसा बेग साहब ने कहा है, तो आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की जो शमूलियत है इंडियन कैंप में वो किस हद तक मददगार साबित हो सकती है, और इसके पीछे क्या सोच थी, और जब पाकिस्तान इंडिया के साथ ये मैच होगा तो महेंद्र सिंह धोनी का जो असरअंदाज होंगे वो कुछ उनका रंग नजर आएगा टीम इंडिया में? देखिए अभी कुछ प्रैक्टिस के जो मैंने विजुअल्स देखे थे इंडिया के, उसमें महेंद्र सिंह धोनी जो थे वो ऋषभ पंत को काफी ज्यादा टिप्स दे रहे थे, ईशान किशन को बहुत ज्यादा टिप्स दे रहे थे और बातचीत कर रहे थे, इनफैक्ट बैटिंग के बारे में बहुत सारी बात कर रहे थे। तो महेंद्र सिंह धोनी को लाया इसलिए गया है क्योंकि जब से रवि शास्त्री एंड विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन बड़ा जानदार रहा, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया 2-2 बार, और इंग्लैंड में भी हमने सीरीज में लीड ली 2-1 की, हमने तमाम चीजें जीती, बट एक जो हम चीज नहीं जीत पाए जैसे आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स है जो ट्रॉफी है वो विराट कोहली की कैप्टनसी में नहीं जीत पाए, तो ये पूरे अवाम में भी ये बात थी, बीसीसीआई के अंदर भी ये बात थी कि ऐसा क्या हो रहा है कि हम आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे। लास्ट टाइम हमने जो जीता वो 2013 आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद हम 17 में फाइनल में पहुंचे, पाकिस्तान से हारे, 19 में हम पॉइंट्स टेबल को हमने टॉप किया, लेकिन हम 2 दिन मैच चला गया और उसकी वजह से स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग हो गई और हम न्यूजीलैंड से हार गए। तो इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को लाया गया कि एक ऐसा कप्तान जिसने 3 ट्रॉफी जीती आईसीसी की और टेस्ट में भी नंबर 1 बनाया था टीम इंडिया को, उसके पास तजुर्बा बहुत है, उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, और उनकी जो स्ट्रेटजी है एक गेम का रीडर बहुत बड़ा है महेंद्र सिंह धोनी, गेम को बहुत जल्दी रीड करता है, एक प्लान नहीं होता, ABC 3 प्लान होते हैं उनके पास कि अगर कोई हिटिंग ज्यादा करने लग गया खिलाड़ी तो थोड़ा सा ऐसा कर दो कि उसको बांध के रखो, तो एक्सपीरियंस कैप्टन है, तो वो माइंड वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए महेंद्र सिंह धोनी को इंडक्ट किया गया। तो जो देखिए जो डिसीजन लेने हैं वैसे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका ऐसे मेंटोर ज्यादा है, डिसीजन जो लेने हैं वो रवि शास्त्री एंड विराट कोहली को लेने हैं प्लेइंग 11 को लेकर, क्योंकि मेंटोर आपको एडवाइस कर सकता है बट प्लेइंग 11 क्या होगी किस तरीके से होगी वो तो सारी चीजें कप्तान और कोच को डिसाइड करनी है। राहुल द्रविड़ की ऐसी कोई अभी भूमिका नहीं है क्योंकि उनकी जो रोल शुरू होगा वो होगा आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप, जब रवि शास्त्री का रिजीम चला जाएगा, विराट कोहली स्टेप डाउन कर देंगे एज ए कैप्टन, रोहित शर्मा भारत के नए कैप्टन बनेंगे T20 फॉर्मेट में 2022 के लिए, और हो सकता है कि 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए भी रोहित शर्मा ही कैप्टन है, तो वहां से राहुल द्रविड़ का जो रिजीम है वो शुरू होने वाला है, तो उनकी इतनी हिस्सेदारी नहीं है इन चीजों में, जो हिस्सेदारी है वो MS धोनी की है, और मैंने देख लिया कि वो चार्ज ले चुके हैं, सारे खिलाड़ियों से बात करें। एक्चुअल में क्या है
कि ड्रेसिंग रूम के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, चाहे विराट कोहली, तमाम जो भी खिलाड़ी हैं उन्होंने उनकी कैप्टेंसी में डेब्यू किया है ज्यादातर खिलाड़ियों ने, तो उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है उसमें और खिलाड़ी उनकी बात को सुनते भी है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा ब्रेन होना ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत जरूरी है, जो कि आपको स्ट्रेटेजी आपके साथ बना सके, आपके जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेट कर सके किस तरीके से गेम चलानी है। एक्चुअल में आप सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान या न्यूजीलैंड मैच नहीं है, ये कैंपेन है पूरी वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें कैसे कैसे हर टीम के खिलाफ स्ट्रेटेजी, दुबई के मैदानों में कैसे मैच खेलना है, किस ऑपोजिशन के खिलाफ क्या प्लेइंग 11 होनी है, ये एडवाइस करने के लिए एक ब्रेन चाहिए था, वो इसलिए धोनी को लेकर आया वहां पर। ठीक है बेग साहब, ये मैथ्यू हिडन और फ्लैंडर के आने से आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो मुहिम है वर्ल्ड कप की, इसको फर्क पड़ सकता है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि फखर जमान को आपके ख्याल में वन डाउन पोजीशन पर ही खिलाना चाहिए और हैदर अली की जगह आप देखते हैं इंडिया के खिलाफ प्लेइंग 11 में? देखिए, ये तो रमीज आजम ने आते ही हिस्ट्री डिसीजन ले लिया। 13 सितंबर को जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला, उसी दिन उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हम हिडन को फ्लैंडर को लेकर आ रहे हैं। अब ये उनका डिसीजन था, पता नहीं उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर से इसकी परमिशन ली या नहीं ली, क्योंकि जिस तरह से रमीज राजा शॉर्ट्स खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन्हें मुकम्मल पुश्त पनाही हासिल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की। तो जो लाने का फैसला था, लोगों ने उस पर काफी हैरत का भी इजहार किया कि ऐसे दो लोग के जिनका कोचिंग का कोई इतना एज सच एक्सपीरियंस नहीं है, उनको आप पाकिस्तान टीम के साथ और वो भी एक मेगा इवेंट के लिए अटैच करें, ये भी हैरत की बात है। लेकिन शायद उस वक्त इनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि आप देखें मिसबाउल्लाह का वकार यूनुस आखिरी लम्हे पर छोड़कर भाग गए, उनको निकाला किसी ने नहीं, उन्होंने रिजाइन कर दिया और गालिबन उन्होंने प्रेशराइज करने के लिए रमीज राजा को ये रिजाइन किया, क्योंकि रमीज राजा अपनी वीडियोज में चेयरमैन बनने से पहले बहुत क्रिटिसाइज करते रहे इन दोनों को। तो अब इन दोनों ने रिजाइन करके कहा वो ग्राउंड में, क्योंकि ये बड़ा मौका सही नहीं था मेरे ख्याल में इन दोनों के रेजिग्नेशन का, कि एक तो वैसे ही इनकी कोचिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, दूसरे ऐन वक्त पर बीच मंझधार में छोड़कर चले गए और जाकर के टेलीविजन चैनल पर ठंडे कमरे में बैठ गए और वहां लाखों रुपए ले रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान इनको सब कुछ दिया, दोनों को, इनकी शनाख्त पाकिस्तान से हुई। वरना आपको याद होगा 97 में, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने एक तस्वीर भी ट्वीट की कि मिसबाउल्लाह फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में जर्नल इंक्लोजर में बैठे हुए मैच देख रहे थे। तो इनको इज्जत पाकिस्तान ने दी। अब जब ये दोनों छोड़कर चले गए तो शायद कोई चॉइस नहीं था, या चॉइस था भी तो रमीज की नजरें, क्योंकि रमीज हमेशा से इन्फ्लुएंस रहते फॉरेन कोचेस से, कि वो कहते हैं जी फॉरेन कोचेस बड़े जबरदस्त होते हैं, और वो पीटर मूस को रख रहे थे लेकिन उनकी काउंटी ने उनसे मुआयदा कर लिया, आप देखते हैं किसको रखते हैं। तो मेरे ख्याल में इन दोनों की मौजूदगी इतनी ज्यादा अहम नहीं होगी जिस तरह रमीज कह रहे थे धोनी की मौजूदगी अहम होगी, और कह रहे हैं कि वो राहुल द्रविड़ का रोल नहीं होगा। ठीक है, मानना रोल नहीं होगा, लेकिन राहुल द्रविड़ थोड़ा बहुत तो इनपुट तो दे सकेंगे, बता तो सकेंगे, धोनी से सीनियर है, तो राहुल द्रविड़ की मौजूदगी भी पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्री है। जहां तक आपने बात की हैदर अली उमूमन जो है जब पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी भी करते थे तो वो जो थे ओपनर थे या फिर वन डाउन पोजीशन पर वो खेल रहे थे, वो मिडिल ऑर्डर में नंबर 6 पर जब उन्होंने अपना डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में किया, वहां भी उन्होंने ऊपर जाकर निस सेंचुरी बनाई अपने T20 डेब्यू में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हैदर अली जो है वो नीचे वाले नंबरों पे फंस जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इनको जो है एक पावर हिटर की जो जरूरत थी, ये हैदर अली के बजाय हैदर अली पर आसिफ अली को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, किस तरह से आप देखते हैं रविश के, ईशान किशन की बात चल रही है, सूर्य कुमार यादव की बात चल रही है, रोहित के हवाले से, बहरहाल वो तो किसी किस्म की बात नहीं होगी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर मिडिल में कुछ चीजें इंडिया में कुछ गैर मामूली नजर आ सकती हैं, फिर वरुण चक्रवर्ती के हवाले से भी बहुत सी बातचीत चल रही है, तो आपके ख्याल में किस तरफ जा सकती है टीम इंडिया की मैनेजमेंट? देखिए, ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इंडिया की प्लेइंग 11 काफी टाइम से फिक्स ही थी, और अगर आप देखें कि वर्ल्ड कप के लिए भी जो हमने स्क्वाड चूज किया था उसमें सिर्फ एक तब्दीली हमने की, पाकिस्तान ने देखे तीन तब्दीलियां कर दी, शोएब को भी लेकर आए, सरफराज को भी लेकर आए, उन्होंने बड़ी तब्दीलियां की, इंडिया ने वो तब्दीलियां नहीं की। और मैं हमारे बेग साहब को सुनता रहता हूँ, उन्होंने बड़ी खिंचाई की चीफ सेलेक्टर की, तो बहुत ज्यादा आप खिंचाई करते हो चीफ सेलेक्टर की, जो उनके प्रोग्राम होते हैं शोज होते हैं, बट बड़ा मजा आता है सुन के कि पता लगता है अंदर मतलब क्या चल रहा है, मतलब सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है पाकिस्तान की। तो खैर इंडिया के उसमें मैं आता हूँ प्रोसेस में, इंडिया का ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि प्लेइंग 11 उनका फिक्स है, ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होने। एक कंसर्न था हार्दिक पांड्या को लेकर कि वेदर इज फुली फिट और नॉट, जब आईपीएल खेला जा रहा था इन्हीं कंडीशंस में तो उन्होंने बोलिंग नहीं की थी, इसी वजह से, क्योंकि हमने 5 स्पिनर्स टीम में लिए थे, अक्षर पटेल बाहर चले गए, रिजर्व्स में आ गए,
और शार्दुल ठाकुर जो कि उन्हीं के जैसे लुक अलाइक ऑलराउंडर है, बॉलिंग ज्यादा अच्छी कराते हैं हार्दिक पांड्या से, बट बैटिंग वाइज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हार्दिक पांड्या जैसे, बट उन्होंने इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग की तो उनको लेकर आ गए वहां पर। बट अगर आप इंडिया का प्लेइंग 11 बताऊं तो वो ऑलमोस्ट फिक्स ही रहेगा। केएल राहुल और रोहित शर्मा ने ओपन करना है, विराट ने खेलना है नंबर 3, नंबर 4 आएंगे आपके सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 होंगे आपके ऋषभ पंत, नंबर 6 हार्दिक पांड्या आएंगे, ईशान किशन शायद अगर जगह बनेगी तो हार्दिक पांड्या की जगह बनेगी, अदरवाइज वो अभी फिलहाल 11 में थोड़ी उनकी जगह मुश्किल रहेगी। एंड देन नंबर 7 आपके आने रविंद्र जडेजा ने, नंबर 8 आप खिलाएंगे वरुण चक्रवर्ती को, 9, 10, 11 की पोजीशन पर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और एक आप लेकर आ जाएंगे शार्दुल ठाकुर को। तो ये आपका प्लेइंग 11 बना हुआ है पूरा, ऑलमोस्ट एक आधा मेरे हिसाब से शायद अगर चेंज हो जाए कि आपको लगे कि नहीं यार हार्दिक सिर्फ हमें एज ए बैटर ही खिलाना है उनको, तो ईशान किशन को खिला लेते हैं जिन्होंने आईपीएल के लास्ट 2 मैचेस में भी बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की और इधर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की, तो उनको ला सकते हैं प्लेइंग 11 में। और एक आप चेंज कर सकते हैं कि भैया आप कंडीशंस देख लीजिए, दुबई में आपने मैच खेलना अगेंस्ट पाकिस्तान तो क्या एक्स्ट्रा स्पिनर को आपको लाना है, क्योंकि वरुण एंड रविंद्र जडेजा आपके 2 स्पिनर्स होंगे, बुमराह एंड शमी आपके 2 पेसर्स होंगे और एक आपने बीच में शार्दुल को एक ऑलराउंडर लाना है, बाकी आपका बैटिंग लाइन पूरा फिक्स है, ये कॉम्बिनेशन के साथ इंडिया उतरेगी। ठीक है, इसमें मैं रवीश से पूछना चाहूंगा कि 4 साल 4 महीने के बाद रविचंद्रन अश्विन को वापस लाया है भारत अपनी टीम में व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, तो क्या रविचंद्रन अश्विन का चांस नहीं बनता? और इतने सीजन कैंपेनर है और कहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो उनसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, वो ऑफ स्पिन भी करते हैं, लेग स्पिन भी करते हैं, कैरम बॉल भी करते हैं, तो आप समझते हैं कि चक्रवर्ती को जो है वो प्रिफरेंस दी जाएगी रविचंद्रन अश्विन पर? एब्सोल्युटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें आईपीएल में 18 विकेट उन्होंने लिए एंड ही इज अ काइंड ऑफ अ मिस्ट्री स्पिनर, जैसे वो जिस टीम से खेले तो उसमें सुनील नरेन भी थे, साकिबुल हसन भी थे, बट वरुण ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की और उनको इंडियन क्रिकेट में कहा जा रहा है कि ये एक मिस्ट्री स्पिनर है जिसको आप यूज करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान या अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो भी आप जिन भी टीमों के साथ आपका मैच होगा, इसीलिए मेरे हिसाब से उनको अभी बचा के भी रखा और फर्स्ट प्रैक्टिस मैच में उनको नहीं खिलाया, तो शायद अब दिख जाए सेकंड प्रैक्टिस मैच में, बट इसलिए उनको बचा के रखा। कमिंग टू रविचंद्रन अश्विन जो टीम में आए हैं एक्चुअल में उनकी कुछ आईपीएल इस सीजन आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनको खिलाया लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही। इकोनॉमिकली अच्छे बॉलर हैं, इकोनॉमी आपकी 6 तक रखेंगे, बट विकेट टेकिंग जो एबिलिटी आ जाती है जब आप टेस्ट मैच ज्यादा खेलते हैं तो वो जब व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी आते हैं तो उसी तरीके की आप बॉलिंग करने लग जाते हैं कि फिर आप रोकना शुरू कर देते हैं, इंतजार करते हैं कि बल्लेबाज आप गलती करेगा फिर आप विकेट लेंगे, तो विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है वो अश्विन में नजर नहीं आई व्हाइट बॉल क्रिकेट में अभी जो आईपीएल हुआ है। लाया क्यों गया उनको? लाया इसलिए गया क्योंकि वो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर जो हमारे हैं चेतन शर्मा जी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्होंने कहा कि अच्छा जो नंबर 1 ऑफ स्पिनर है जो कि आईपीएल में अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, इस सीजन की बात नहीं कर रहा, उसे पहले सीजन की बात कर रहा हूं, वो अश्विन है, इसलिए उन्होंने इंडक्ट किया उनको। दूसरी चीज क्या थी, अगर विराट कोहली जो थे वो तो वॉशिंगटन सुंदर को टीम में चाहते थे बट अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गए जिसकी वजह से फिर एक ऑफ स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन को शामिल किया गया। ये चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर की चॉइस है, ये कप्तान की चॉइस नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि जब से इंडियन बोर्ड में सौरभ गांगुली, जय शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं एंड चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर बने चेतन शर्मा, अब बीसीसीआई ये चाहता है कि ये कैप्टन डोमिनेटिंग टीम ना हो, ये कोच डोमिनेटिंग टीम ना हो, कि कप्तान चाहे कि नहीं भैया मुझे अनिल कुंबले कोच नहीं चाहिए तो अनिल कुंबले को हटा दिया, मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए तो हटा दिया, ये अब नहीं होगा इंडियन क्रिकेट में, ये लोग ये डिसाइड कर चुके हैं। इसी का हम नतीजा देख रहे हैं कि इंग्लैंड टूर पर विराट कोहली ने डिमांड की थी कि उनको देवदत्त पडिक्कल चाहिए, पृथ्वी शॉ चाहिए एज एन ओपनर जो कि श्रीलंका में खेल रहे थे, लेकिन चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर ने भाव ही नहीं दिया उस बात को, रिएक्शन ही नहीं दिया उसमें प्रेस में। मैंने भी बड़ी बार उनको फोन किया, उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कहा एक ऑलरेडी वहां पर रिजर्व ओपनर है अभिमन्यु ईश्वरन, काम चलाना है उससे चलाइए, आपको ओपनर नहीं मिलेगा, जब हमारा प्लेयर इंजर्ड हो गया फिर उन्होंने जाकर अपनी मर्जी से पृथ्वी शॉ एंड उसके बाद सूर्य कुमार यादव को वहां पर भेजा। तो यहां पर भी बड़ी सारी बात हुई और यही इसका ही प्रेशर हम देख रहे हैं कि विराट कोहली ने व्हाइट बॉल कैप्टनसी को छोड़ दिया। देखिए कप्तान, कोई खिलाड़ी कप्तानी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन यही उसका एक रीजन रहा कि उन्होंने फिर एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी, क्योंकि अब बोर्ड चाहता है कि हम पावरफुल बने एंड कैप्टन जो रवि शास्त्री एंड विराट कोहली का जो कॉम्बिनेशन था, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि बहुत साल तक इंडिया में जो क्रिकेट को गवर्न किया वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी कमेटी ने उसको गवर्न कर रही थी बहुत टाइम तक, तो एक डोमिनेंस हो गया था शास्त्री एंड विराट कोहली के कॉम्बिनेशन का, वो सुनते नहीं थे किसी की और इससे काफी सारे प्लेयर जो थे वो ड्रॉप भी हुए, कईयों ने खबर आई की शिकायत भी की। अब बोर्ड चाहता है कि जय शाह, सौरभ गांगुली, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर चेतन शर्मा, ये पावरफुल रहे, कैप्टन एंड कोच रहेंगे लेकिन इशारों पे हमारे चलेंगे, ये पॉलिसी बीसीसीआई लाया है। लेकिन इसकी कहीं एक वजह ये तो नहीं है कि माजी में बड़ा तल्ख तजुर्बा रहा है रवीश सौरभ गांगुली का, जब उनका ग्रेग चैपल से जो है तनाजा चला था और मुझे अच्छी तरह याद है मैं इंग्लैंड में था
वहां में नॉर्थहैम्पटन पे पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच हो रहा था, गंगोली टीम से बाहर थे और गंगोली फोन पर बड़ी देर तक आन जहानी जगमोहन डालमिया से बात करते रहे क्योंकि डालमिया इनके मेंटोर थे, इनके सपोर्टर थे और वो गंगोली टीम में नहीं आया और उनका बड़ा जबरदस्त फंडा चला था, आपको तो याद होगा, आप तो कवर करते हैं ग्रीक चैपल से, कहीं इसकी ये रीजन तो नहीं है कि गंगोली अब चूंकि बीसीसीआई के सदर है वो नहीं चाहते कि कोच डोमिनेटेड या कैप्टन डोमिनेटेड हो भारतीय टीम? देखिए तीन एरा की अगर मैं बात करूं जहां पर कि कैप्टन ने डिसाइड किया इंडियन क्रिकेट में कि कोच कौन होना चाहिए और उसकी स्टार्ट हुआ था सौरव गांगुली से, क्योंकि जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेटर ऑन आईसीसी के भी बने, और जब सौरव गांगुली के ऊपर उनका हाथ था तो बोर्ड प्रेसिडेंट का हाथ अगर कप्तान के ऊपर आ जाए और उसे फ्री हैंड मिल जाए तो सौरव गांगुली इनिशिएटेड द प्रोसेस कि उन्होंने कहा कि ग्रेग चैपल जैसा खिलाड़ी हमको कोच चाहिए, वो बैकफायर कर गया उनके लिए ग्रेग चैपल के साथ, लेकिन लाए सौरव गांगुली ही थे उनको, तो कप्तान ने कोच को अपॉइंट किया था। सेकंड जो आए आपके महेंद्र सिंह धोनी, वो लेकर आए गैरी कर्स्टन को, उसके बाद वो चाहते थे कि स्टीफन फ्लेमिंग इंडिया के कोच बने क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग है, लेकिन स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि इंडिया का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि न्यूजीलैंडर्स, ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड, इनका फैमिली कंसर्न बड़ा ज्यादा हो जाता है, जैसे बेन स्टोक्स को देख लीजिए, उससे पहले जोनाथन ट्रॉट, मार्कस प्रेस्को थे, बड़ी लंबी लिस्ट है, फैमिली को टाइम नहीं देते, वो फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है उनकी, तो इसलिए वो नहीं लाए। उसके बाद उन्होंने डंकन फ्लेचर को कोच लेकर आए क्योंकि उनको चाहिए था लो प्रोफाइल कोच कि मैं फ्रंट सीट पे मैं रहूं, कोच बैक सीट पर है, जैसा मैं बोलूं कोच वैसा करे, तो इसलिए वो महेंद्र सिंह धोनी डंकन फ्लेचर को कोच लेकर आए और फिर उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। इसके बाद आते हैं जी विराट कोहली का एरा, बोर्ड ने उनको जो कोच दिए थे वो थे अनिल कुंबले, लेकिन कैप्टन को नहीं चाहिए थे अनिल कुंबले क्योंकि उनको हेडमास्टर नहीं चाहिए, उनको चाहिए जो बैक सीट ले और डिसीजन बोले, तो इसलिए फिर वो रवि शास्त्री को लेकर आ गए। तो अभी जो तीन मैंने जो आपको एरा बताए इसमें कैप्टन ने डिसाइड किया कि इंडियन टीम का कोच कौन होना चाहिए, लेकिन अब बोर्ड ने डिसाइड किया कि भैया हम तो राहुल द्रविड़ को कोच आपको देंगे, आपको इनके साथ अब कॉम्बिनेशन बनाना है और अब हमारा बंदा जो रहेगा वो वहां पे रहेगा, तो अब बोर्ड जो है वो टेक ओवर करने की सोच रहा है और हो सकता है सौरव गांगुली जैसा आप कह रहे हैं वो चाहते हैं कि अभी नहीं, ये जो टीम होगी बीसीसीआई डिसाइड करेगा कौन सा प्लेयर अंदर रहेगा कौन सा प्लेयर बाहर रहेगा, कैप्टन कैन आस्क फॉर अ लेग स्पिनर बट वो लेग स्पिनर कौन होगा ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, वो बताएगा नहीं पर्टिकुलरली कि यही चाहिए। ठीक है, अच्छा बेग साहब, अब पाकिस्तान के इंडिया का जो मैच है, आपको लगता है कि बाबर आजम और रिजवान ही जो हम देख रहे हैं साल डेढ़ साल से वही लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग को, तो अगर सबका सबके ऊपर सबका जो जितना बोझ है जो जोर है वो इन दोनों के ऊपर होगा और अगर खुदा ना खासा कोई एक निकल गया तो आपको लगता है कि दबाव में नीचे से मिडिल ऑर्डर उठा सकता है उसको? देखिए टीम के लिए इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, बाबर आजम ने जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं तो रिजवान के साथ इनिंग्स ओपन करूंगा, अभी पहला जो प्रैक्टिस मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बाबर आजम ने 41 गेंदों पर 50 रन बनाए और उनके क्रिटिक्स, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ करंट ईरा, लेकिन बाबर आजम के क्रिटिक्स कहते हैं कि बहुत स्लो खेलते हैं, तो वो खुद भी ये चाहते हैं कि उन्हें पूरे ओवर्स खेलने को मिले, इसीलिए वो इनिंग्स ओपन करने जा रहे हैं ताकि उनको पूरा का, क्योंकि अगर सपोज 10 ओवर्स के बाद उनकी बारी आती है तो एक तो वो जिस अंदाज से खेलते हैं वो कोई बहुत लंबे लंबे छक्के नहीं लगाते, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम ने यहाँ पर अपना मफाद भी सामने रखा है और मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड ओपनिंग कॉम्बिनेशन आजमाए, मेरी राय में कि फखर जमान जो है वो अगर रिजवान के साथ आए और बाबर वन डाउन आए, क्योंकि फखर जमान जो है एक तो वो पावर प्ले का सही फायदा उठा सकते हैं इब्तदाई 6 ओवर्स में स्ट्रोक्स खेलते हैं, दूसरे फखर जमान का को एक थोड़ा सा भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल होगा, 18 जून 2017 को उन्होंने भारत के खिलाफ ओवर लंदन के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी बनाई थी, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर जिस तरह रवीश कह रहे थे कि आप भारत में तो खत्म हो गया कि कैप्टन डोमिनेटेड, यहाँ पर भी रवीश मैं बता दूं रमीज राजा तब्दीलियां लाएंगे इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी बात मनवाई, वक्त कम था तो यहाँ तो वो इनिंग्स ओपन करेंगे और कर भी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं दोनों, लेकिन लोगों की सजेशन यही थी कि बाबर आजम जो है अगर वन डाउन आए तो ज्यादा बेहतर। शादाब खान मुश्किल, उनकी जो कारकर्दगी है वो तो कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो मुश्किल उनकी टीम में होने से मुश्किल हो सकती है, एक आउट ऑफ फॉर्म है, बॉल गिर नहीं रहा है। देखिए मेरे ख्याल में उस्मान कादिर के साथ ज्यादती, उस्मान कादिर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, उसको रखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती है उस्मान कादिर की भी और जाहिद महमूद की भी, जाहिद महमूद ने आज भी कायजम ट्रॉफी में अच्छी बॉलिंग की है, वो बड़ा अच्छा बॉलर है, सीजन कैंपेनर है, लेकिन चूंकि शादाब खान मंजूर नजर थे सबक कोच मिसबाउल हक के,
जिन्होंने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया ऑल द वे। जब शादाब आए थे 2017 में, हम सब ने उसकी बड़ी तारीफ की थी कि बड़ा जबरदस्त लेग स्पिनर आया है वेस्ट इंडीज के टूर पे, जब उन्होंने डेब्यू किया बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट होती रही। उसकी वजह ये, एक तो उनकी फिटनेस का मसला था, दूसरे उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बजाय अब बॉलिंग ऑलराउंडर के बैटिंग ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी आपने देखा होगा पीएसएल में वो ऊपर बैटिंग करने जाते थे, तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो मुझे लग रहा है, और उनका आप देखेंगे अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था इमरान, उसमें भी उन्होंने सिर्फ दो ही ओवर्स किए। आपका मेन बॉलर है, लेग स्पिनर है, दो ओवर कर रहा है, इसका मतलब है या तो उनको फिटनेस का प्रॉब्लम है या कोई और मसला है, या उनके ओवर पूरे नहीं कराने चाह रहे। तो शादाब खान की अब मजबूरी है, वाइस कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे पाकिस्तानी टीम में। रवीश, बाबर आजम और रिजवान के लिए कुछ खास तैयारियां होंगी इंडिया की तरफ से? देखिए, बाबर आजम इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और मैं बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बाबर आजम ओपनर में मेरे हिसाब से अगर फखर जमान को ओपन में ट्राई करेंगे तो शायद वो एक एक बेनिफिट हो सकता है पाकिस्तान को, रिजवान एंड फखर जमान का कॉम्बिनेशन। फखर तो देखिए उन्होंने लास्ट में मिडिल ऑर्डर में खिलाने लगे थे जब इंग्लैंड में मैच हो रहा था, पाकिस्तान उनको बिल्कुल पांचवें छठे नंबर पे खिला रहा था। उस साइड मेरी समझ में नहीं आई कि क्या उनका मैनेजमेंट स्टाफ क्या सोच रहा है, बट ठीक है उनको नंबर तीन खिलाया था जो अभी प्रैक्टिस मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। एंड ये बात तो देखो इंडिया की अवाम में भी और इंडिया के प्रेस में भी ये बात है कि बाबर आजम एंड रिजवान ये जो है ये कड़ी होल्ड करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की। मिडिल ऑर्डर में ठीक है उनके पास शोएब मलिक को लेकर आए हैं, हफीज भी उनके पास हैं, ये दोनों एक्सपीरियंस कैंपेनर वहां पे जरूर रहेंगे, लेकिन जो की है ना बल्लेबाजी की जो चाबी है वो बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि ये दोनों कंसिस्टेंट तरीके से रन मार रहे हैं, लगातार इन्होंने रन मारे, अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये दो तो डेफिनेटली डेंजरस बैट्समैन रहेंगे। एंड फखर जमान नंबर तीन पर आ रहे हैं, बट हाँ अगर ओपन में उनको पाकिस्तान ट्राई करे तो मेरे को लगता है बेनिफिट हो सकता है। वैसे देखो 2017 के बाद 2018 में भी वो एशिया कप में खेले भारत के अगेंस्ट, लेकिन वहां पे भारत जीता, पाकिस्तान को हराया इन यूएई की कंडीशंस में, 50 ओवर कॉन्टेस्ट था बट इंडिया ने वहां पे जीता। तो ये है कि आप भी खिलाड़ी को एक्सप्लोर करते हैं, उस समय फखर जमान आपके लिए सामने बिल्कुल नए आए थे, नो बॉल भी हो गया था, तो वो उस समय आप एक बार से उनको जज नहीं कर पाए, लेकिन अब आपके पास उनकी वीडियो फुटेज अवेलेबल है, अब आप उनका फुटबॉल देख सकते हैं, उनका स्टांस देख सकते हैं, कहां ये खिलाड़ी ज्यादा शॉट्स खेल सकता है अब आप देख सकते हैं। तो इंडिया के पास अब ज्यादा होमवर्क है फखर जमान के लिए जो उस टाइम पे नहीं था, बट हाँ ये दो खिलाड़ी तो डेंजरस रहेंगे, रिजवान एंड ऑफ कोर्स बाबर आजम। ठीक है बेग साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान इस मरतबा इंडिया के खिलाफ जो एक रिवायत है ना जीतने की वो तोड़ सकता है, इम्कान है? देखिए ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर बात करें, बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो चाहूंगा उस रिवायत को तोड़े, लेकिन अगर दोनों टीमों का हम मवाजना करें तो भारत की टीम ज्यादा तजुर्बाकार, ज्यादा मजबूत, ज्यादा मुतवाजन नजर आती है बनिस्बत पाकिस्तान के। लेकिन मैंने कहा ना कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, आपको याद होगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो पहला मैच था पाकिस्तान भारत से हार गया, एट बेस्टन बर्मिंगम में मैं था, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने टेक ऑफ किया और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। तो पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम है, और T20 क्रिकेट तो खास तौर पर अगर कहा जाए कि एक मतलब इसमें रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, किसी दिन एक बैट्समैन की बारी आ गई तो उसने लंबी बारी ले ली टीम को जितवा दिया, किसी दिन बॉलर ने अच्छे स्पेल कर दिए दो बॉलर ने चार चार ओवर के, या किसी दिन कैचेस बहुत आला हो गए तो टीम जीत सकती है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर बात करें तो भारत को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है, ये मेरा अपना तज्जिया है। पाकिस्तान अब देखें क्या करता है, नफसियाती दबाव से निकलता है नहीं निकलता। मैं तो उसमें भी था 2007 में इमरान, जब पाकिस्तान पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैं वहां पर भी था डरबन में, जब पाकिस्तान बॉल आउट पर भारत से हार गया, मैच टाई हो गया था। अब भारत की तरफ से रॉबिन उथापा तक ने गेंद को विकेट को हिट कर दिया और पाकिस्तानी बॉलर जो थे वो गेंद को हिट ही नहीं कर पाए और बॉल आउट उस वक्त होता था, बॉल आउट में हार गया। और फिर मैं 24 सितंबर 2007 को उस यादगार फाइनल में भी था जिसकी बार बार वीडियो भारतीय चैनल्स में दिखाई जाती, हम भी देखते हैं कि मिसबाह-उल हक ने जो शॉट खेला और जिस पर उनका कैच लिया श्रीशांत ने जोगिंदर शर्मा की गेंद पर, पाकिस्तान 5 रन से हारा। तो मुकाबले तो सख्त होते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, मुकाबले कांटे के होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर भारत को पाकिस्तान पर एडवांटेज हासिल है। रवीश, आपको लगता है कि रिवाइट टूटेगी और इंडिया पहला मैच हार सकता है? देखिए T20 क्रिकेट है, जैसा कि बेग साहब ने भी कहा कि T20 क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हरा दिया, कल ओमान ने भी बड़ी उनकी हालत खराब कर दी थी,
होने को कुछ भी हो सकता है, बट ये इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते कि ओवर द इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इंडियन टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है, कंसिस्टेंट उनको रहा है। पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा ये गड़बड़ ये भी हो गई कि उनका कोचिंग स्टाफ जो है बिल्कुल हट गया एकदम से, वर्ल्ड कप आने से एकदम से पहले हट गया, बड़ा रिजीम चेंज हुआ, देन प्लेयर्स भी वहां पे चेंज हुए, बड़ी सारी बातें भी हुई। तो ये एकदम से कोच का हट जाना, बॉलिंग कोच का हट जाना थोड़ा सा शायद अंतर डाल सकता है पाकिस्तान की टीम पर, बट यू नो पाकिस्तान टीम आपको हमेशा सरप्राइज देती है। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की जहां पे मैं बात करूंगा, वहां पर एंजेलो मैथ्यूज ने शायद कैच छोड़ा था सरफराज अहमद का, और वहां से पूरा कैंपेन चेंज हो गया पाकिस्तान का, फिर इंग्लैंड को हराया और आगे जाके इंडिया को भी हराया। 2009 में जब 2007 का फाइनल हार के 2009 में आए थे, वहां पे कोई नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, बट पाकिस्तान वहां पे वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो पाकिस्तान आपको सरप्राइज देता है, पाकिस्तान ने आपको पास में भी सरप्राइज दिए हैं, बट हाँ मैं ये कहूंगा कि अगर फास्ट बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है, शाहीन शाह अफरीदी बड़ी कमाल की गेंदबाजी कर रहा है, मुझे वो मिचेल स्टार्क जब शुरू शुरू में आया था वैसा ही लग रहा है, और आपका हसन अली बड़ा, वो देखो इंडियन लड़की से शादी की, उसकी बड़ा किस्मत चमक गई है, बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। देन हारिस रौफ है, वो बड़ा ठीक कर रहा है। स्पिन्स में हाँ थोड़ा इमाद वसीम है, देखो इकोनॉमिकल गेंदबाजी की उसने, शादाब ने भी इकोनॉमिकल गेंदबाजी की, स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा वो सकलेन मुश्ताक अहमद वाला एरा जो है ना वो नहीं नजर आ रहा है, और मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, तो इंडिया थोड़ा सा अपर हैंड जरूर है, बट T20 क्रिकेट है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, रमेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान और इंडिया के माने हुए स्पोर्ट्स के जर्नलिस्टों की, स्पोर्ट्स के सहाफियों की, खेलों को कवर करते हुए ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में ये गए हैं और अपनी अपनी टीमों को करीब से देखा है। अब 24 को क्या होता है इसके बारे में कोई कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है, होता क्या है इसका इंतजार करने के लिए आप 24 का इंतजार करें, और इस जो आज इस सेशन में गुफ्तगू हुई है आप अपने कमेंट्स के लिए जरूर इसमें राय दें अपनी, और आप अपनी फेवरेट टीम का भी जरूर नाम लिखें। बेग साहब आपका और रविश आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।